don't waste some time then. Kill! So today we are going to study the resultant of two forces. So what I am going to do is draw the x and y axis first. सीधा बैग लगेगी अभी हैं? तो हम लोग ने पढ़ाते यूनिट इंपल्स एक्साइटेशन होता है ठीक है अब फॉर एग्जांपल एच ऑफ टी है उसको हम लोग आर्बिट्री एक्साइटेशन दे सकते हैं ठीक है अब जैसे एफ ऑफ टी एक फंक्शन है हमारा ठीक है उसको हमें यूनिट इंपल्स एक्साइटेशन देना है तो उसमें जो है अब देखो अब तुम दोगे तो ये वाला ग्राफ ऊपर जाएगा अब वो ऊपर गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एट अ पर्टिकुलर टाइम आर्बिट्री फोर्स कम होता जाएगा ठीक है भाई वहां क्या देख रहे हो यहाँ देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहां क्या देख रहे हो इतनी देर से मैं ही तो देख रहा हूँ भाई यार बोर हो रहा है मम्मी अब्बू को बुलाओ डम शराट खेलते हैं डम शराट अब्बा अब्बा सर चलो बुलाते हैं और कुछ अरे अब्बा वो डम शराट खेलने आ रहे थे तो खेलना आता हो तो चलिए डम शराट हाँ आता है चलिए फिर आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं अपने टाइम के हम कितने बड़े प्लेयर थे आओ शम्मू आओ 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 भाई आओ कौन आ रहा है पहले कला जा रहा है पहले जी जी बताइए आप पहले मैं आ रहा हूँ चलिए बताइए हाथी मेरा साथी हाँ भाई चलो शुरू करो जी जी हिंदी हैंड हैंड हाथ हाथ सात सेवन सेवन सात सात वर्ड है सात वर्ड सात अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ बातें नहीं कॉपी ले लूंगा अभी बेटा ये वाला नहीं वही वाला था बात तो मत सिखा बंद करो भाई से जी अब्बा अरे कुछ हमारे टाइम का लगाओ भाई बताइए कौन सा जगजीत सिंह लगाओ थोड़ा पुराने जमाने के लगाओ यार गजल वजल लगा दूं और क्या लगा दूं भैया वो सब तो ठीक है लेकिन कौन सा गाना था ये आपको कैसे पता चला